नॉलेज दुनिया की एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो पे आप सभी का फिर से स्वागत है। खुद को याद करवाने और अपने छाप छोड़ जाने के कई तरीके होते हैं। कई लोग अपने नाम को स्वर्ण अक्षरों में देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। इस कुछ भी कर बैठने के जज्बे में कहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वालों ने अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। आज हम ऐसे 10 लोगों के बारे में बात करेंगे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए मौत के घाट उतर गए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नॉलेज दुनिया की लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। हैरिस सुलेमान। हवाई जहाजों के उड़ान को लेकर दुनिया भर में काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं और 17 साल के पाकिस्तानी अमेरिकी पायलट हैरिस सुलेमान ने ऐसे ही एक रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश किए थे। एक सिंगल इंजन प्लेन में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाने वाला सबसे कम उम्र का पायलट बनना चाहते थे। यूएसए से शुरुआत करते हुए हैरिस सुलेमान और उनके पिता और को पायलट बबर सुलेमान जब अपने सफर के अंतिम पड़ाव में थे तभी एक दुर्घटना घटी। अमेरिकन एयरफील्ड से टेक ऑफ करने के कुछ ही समय बाद उनका प्लेन पैसिफिक ओशन में क्रैश हो गया। सर्च टीम ने हैरिस के मृत शरीर को तो ढूंढ निकाला पर उनके पिता और प्लेन का कोई भी हिस्सा आज तक लापता है। शैलेंद्रनाथ रॉय। स्टंटमैन शैलेंद्रनाथ रॉय के बाल जरूरत से ज्यादा मजबूत और अद्भुत थे। आप सोच रहे होंगे कि हमें ये कैसे पता? अपने बालों की चोटी से ट्रेन को खींचकर उन्होंने भारतीय रिकॉर्ड को पहले ही तोड़ दिया था। इस अद्भुत केश के सहारे ये दो इमारतों के बीच में भी झूल चुके हैं। इनका अगला चैलेंज ये था कि इन्हें अपने बालों से बंधे एक 600 फीट की जिपलाइन के सहारे दरिया पार करना था। रॉय जैसे ही अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाला कारनामा पेश कर रहे थे, आसपास के हैरत भरे लोगों ने देखा कि वो बीच में अटक कर हिलने की काफी कोशिश करने लगे। इसके बावजूद भी ये पूरी तरह से लिंप हो गए। बदकिस्मती से रॉय जी के हैरत अंगेज कैरियर का अंत उनके हार्ट अटैक आने से हुआ। जावेद पलिस बनियान। 44 साल के जावेद पलिस बनियान अमेरिका के मशहूर स्टंटमैन इविल क्रिवल से प्रेरित होकर 22 बसों के ऊपर से छलांग लगा रहे थे पर 13वें बस पर आते ही उनकी बाइक नीचे आ गई और उसी वक्त उनकी मौत हो गई। इस गंभीर घटना से पहले जावेद ने कई लोगों के सामने ये घोषित किया था कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि उनके देश को गर्व हो। गाय जर्मन। गाय रस्टी जर्मन कभी कभी मोनिकर डॉग डीप के नाम से भी जाने जाते थे। वो एक फिजिशियन और स्क्यूबा डाइवर थे। पानी के नीचे की दुनिया अद्भुत रहस्य और बहुत सारे रिकॉर्डों से भरी हुई है। 2015 में जर्मन ने ऐसा ही एक रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश किए थे। उनका लक्ष्य था सबसे गहरे स्कूबा डाइव के रिकॉर्ड को तोड़ना और उन्होंने सीधे 1200 फीट नीचे जाने का फैसला किया। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था पर कुछ समय बाद वक्त का कांटा बीतता जा रहा था और जर्मन गहराइयों से बाहर नहीं आ रहे थे। उनके क्रू को पता लग चुका था कि कुछ बुरा हुआ है। बाद में जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उनके मौत का कारण डूबना था। नोवेल बेल्स। उड़ान के नाम के साथ कई तरह के रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं जैसे कि ऑल्टीट्यूड और डिस्टेंस। 1930s के जमाने में एयरप्लेन काफी नई चीज थी और लोग उसकी तेजी से बहुत हैरान रहते थे। डेट्रॉइट के पास दिसंबर 1931 में बेल्स ने अपनी मॉडिफाइड जीबी मॉडल जी पर कदम रखकर तेजी की एक नई रिकॉर्ड बनाने के लिए उड़ान भरे। जमीन से 75 फीट की ऊंचाई पर 483 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चलते हुए अचानक से मॉडल जी ऊपर की तरफ हो गया। विमान के फ्यूल कैप की लूज होने पर वो विंडस्क्रीन के पार आकर टकरा गया जिसे पायलट को चोट लगी और वो अक्षम हो गए। जल्द ही प्लेन का क्रैश हो गया और कुछ ही क्षण में आग और धुआं का बड़ा गेंद बनकर ये प्लेन रेल रोड ट्रैक के सामने आ गिरा। बिल वार्नर। क्योंकि हम मोटरसाइकिल्स के मुद्दे पर काफी चर्चा कर रहे हैं, आइए आपको फ्लोरिडा के बिल वार्नर के बारे में बताएं, जो गति के ऐसे शौकीन थे कि उन्होंने 300 माइल्स पर आवर का रिकॉर्ड एक मील के अंदर बनाने की ठान ली। मॉडिफाइड सुजुकी हायाबुसा का इस्तेमाल करके वार्नर
अपने सपने की तरफ बढ़े और 285 माइल्स पर आवर की स्पीड पर आते ही उन्होंने कंट्रोल खो दिया। बाइक टुकड़े टुकड़े हो गई और असहाय लोगों की भीड़ ने वार्नर को चोट खाते हुए देखा। क्रैश के एक घंटा में ही वार्नर को मृत घोषित कर दिया गया। हुआन फ्रांसिस्को गियर्मो, सारे रिकॉर्ड सिर्फ तेजी या स्पीड के बारे में नहीं होते हैं, इस बात को हुआन फ्रांसिस्को गियर्मो की कहानी साबित करती है। इस चिलियन साइक्लिस्ट का लक्ष्य था अपनी बाईसाइकिल से दुनिया घूमना, 5 साल में 5 महाद्वीप। ये सफर 2,50,000 किलोमीटर से ज्यादा था और सफर नवंबर 2010 में शुरू तो हुआ पर कभी मुकम्मल न हो पाया। अपने लक्ष्य से कुछ दूर ही थाईलैंड में बाईसाइकिल चलाते वक्त इस साइक्लिस्ट के बाईसाइकिल का टक्कर एक पिकअप ट्रक से हो गया। क्रैश होते ही उनकी मौत हो गई। ऐसा लगता है मानो सारे रिकॉर्ड बनाने की कोशिशों में ही दुर्घटना घटने की काफी संभावनाएं होती है। जनका बसनायक, श्रीलंका के 24 साल के जनका बसनायक ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा जमीन के अंदर गड़े रहने का रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। उन्होंने 10 फीट का गड्ढा खोदकर अपने आप को परिवार और दोस्तों की मदद से उस गड्ढे में कैद कर लिया। शनिवार सुबह के 9:30 बजे उन्हें दफनाया गया था और लगभग 7 घंटे बाद उन्हें ऊपर लाया गया था और हॉस्पिटल ले जाते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि जिंदा दफन होना गिनीस के नजरों में एक रिकॉर्ड बनाने वाली घटना भी नहीं है। डायना पेरिस, स्काई डाइविंग एक अत्यंत मशहूर खेल है और ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो सब तरह के रिकॉर्ड्स तोड़ने की कोशिश करते हैं। जर्मन की स्काई डाइवर डायना पेरिस एक 222 स्काई डाइवर्स के टीम का हिस्सा थी जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश में लगे थे। इस रिकॉर्ड में ज्यादा से ज्यादा लोग छलांग मारकर पैराशूट खोलने से पहले हवा में फॉर्मेशंस बनाते हैं। बदकिस्मती से छलांग के दौरान डायना के मेन पैराशूट में कुछ गड़बड़ी आ गई और वो खुलने में असफल रहा। जब तक कि डायना अपने रिजर्व पैराशूट का उपयोग करती बहुत देर हो चुकी थी। डोनाल्ड मैलकम कैम्बेल, कैम्बेल एक ब्रिटिश स्पीड रिकॉर्ड ब्रेकर थे जिन्होंने 1950s और 1960s के बीच जमीन और पानी पर 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। कैम्बेल उन बहादुरों में से एक थे जिन्होंने एक ऐसा काम किया जो सुनने में ही खतरनाक लगता है। उन्होंने जेट इंजन को बोट पर स्ट्रैप करके पानी पर स्पीड रिकॉर्ड्स तोड़ना चाहा। कैम्बेल ने 1967 में अपने ही 276 माइल्स पर आवर के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश किए थे। आसपास के देखने वाले लोगों और कैमरों ने देखा कि जब कैम्बेल झील पर दूसरे राउंड में थे उसी वक्त बोट ऊपर उठ के हवा में घूमी और तेजी से वापस कैम्बेल की जान लेते हुए पानी में गिर पड़ी। इस दौरान उन्होंने 330 माइल्स पर आवर की गति प्राप्त किए थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नॉलेज दुनिया की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।